जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 14 जुलाई को देवी उमा भगवती का प्राचीन मंदिर भक्तों के लिए खोला गया। ब्रेवियन नगर में बने इस मंदिर के आंगन में करीब 34 साल बाद घंटियों की आवाज गूंजी। मंदिर में राजस्थान से मंगाई देवी मां की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई है। भगवती देवी मंदिर में सबसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सरकार विकसित जम्मू कश्मीर के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, केंद्र शासित प्रदेश की अपनी समन्वित संस्कृति जम्मू कश्मीर को एक समृद्ध और शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित करने में काफी मदद करेगी। क्यों खास है माँ उमा भगवती का प्राचीन मंदिर? 34 साल बाद खुला माँ उमा भगवती का प्राचीन मंदिर। हजारों कश्मीरी पंडितों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लिया हिस्सा। 3 दशकों के बाद मंदिर में की गई विशेष प्रार्थना। 1990 में आतंकियों ने मंदिर को कर दिया था ध्वस्त। आतंकियों ने मंदिर में लगाई थी आग। 5 झरनों के बीच स्थित है मंदिर। राजस्थान से लाई गई देवी उमा की मूर्ति। अनंतनाग के ब्रेरियन नगर में बनाया गया है मंदिर। बता दें, 1990 में आतंकवादियों ने हमले में गांव शंगस में स्थित उमा भगवती मंदिर ध्वस्त कर दिया था। तब से इस मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद हो गए। करीब 2 साल पहले केंद्र सरकार ने मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू की। ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और शिव शक्ति कुंड समेत 5 कुंड से निकले झरनों के बीच बने इस मंदिर में पूजा शुरू होने के बाद भक्तों का तांता लगा है। माता उमा के प्रांगण में दोबारा से यज्ञ होना, माता की मूर्ति पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना होनी, ये एक ड्रीम कम ट्रू हम सब के लिए है। 10 साल हो गए तो वही अगेन थॉट कि यार इस प्रोसेस को शुरू करें इस जगह को, क्योंकि ये हमारी माँ है, इस जगह को दोबारा से हम करें। तो फिर हमें हाँ। मुसलमान लोग यहाँ पे हैं सारे, आज खुशियाँ मना रहे हैं कि वो पुराना जो भाईचारा है वो फिर थोड़ा सा ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। तो पंडित लोग जितने हैं इनका तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ बैरियान के कश्मीरी लोग हैं, गुज्जर हैं, इनके साथ बचपन से इनकी ज़मीनों पे हमने लिया, इनके साथ उठे बैठे हमारे दादा परदादा, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वहीं दक्षिण कश्मीर के परारी आंगन में उमा भगवती मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जहां भक्त देवी उमा भगवती के दर्शन के लिए जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आते थे। कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये मंदिर बेहद खास है। वहीं धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि वो अपने अब घर वापस लौट रहे हैं और मंदिरों को फिर से खोल रहे हैं। इससे पहले साल 2023 में नियंत्रण रेखा के पास टीटवाल में माता शारदा का मंदिर फिर से खोला गया था और अब उमा देवी मंदिर। बता दें कि यूटी प्रशासन ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर में मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी किया है।